सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अंदर ब्लॉग। सो आज हम गए हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश में हैं, मुझे आपको ऋषिकेश का नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अपने दोस्त लोग, बाकी ये ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पे हैं अभी हम। ये ऐसा सीन है मंदिर में ना, घाट का भी। और यहाँ पर आरती की तैयारी चल रही है। ये देखिए, ये प्रिपरेशन हो रही है, ये प्रिपरेशन हो रही है, ये मछली का खाना, ये खाना मछली का खाना। आरती देख ली है और अभी हम निकल रहे हैं। वह अब निकलते हैं यहाँ से, लक्ष्मण झूले की ओर भी निकलते हैं, वहाँ से आपको लक्ष्मण मंदिर भी दिखाएंगे अभी रात्रि का टाइम है। और हमारी दुर्गा माता, आयुषी माता और अभिषेक ब्लॉगर, सस्ता ब्लॉगर, हम राम झूले की तरफ प्रस्थान करेंगे। नहीं, लक्ष्मण झूले की, सॉरी, लक्ष्मण झूले की तरफ। और हमारे वो कहाँ है, सस्ते अमन धतरवाल, अभी हमारे सस्ते अमन धतरवाल आए नहीं है, उनके लिए रुकते हैं। सस्ते अमन धतरवाल, मास्क उतार रही है अमन धतरवाल। ये तो अभी हमारे साथ लड़कियां हैं, इसलिए वो पानी पूरी खा रही है। लड़कियां जो पानी पूरी खा रही है, इन्हें बस तीखा चाहिए, तीखा। इनके पीछे देखिए क्या है, वो बलून मेरा है, वैसे जबरदस्ती करके छीना है इन्होंने। यही वो जानवर है जो बड़ा मुंह खोलती है। और आयुषी कितना ग्रेट, मास्क पहन के पानी पूरी खा रही है। यहाँ काफी आश्रम मंदिर है तो, और काफी ज्यादा स्टे होम मिल रहे हैं। और अभी लग गया हल्का हल्का, देखिए तो वह भी लग रहा है एकदम अमेजिंग सा लुक दे रहा है। पूरा रास्ता खाली है। और ये छपरी दोस्त, ये देखिए क्या चीज़ दिखाई आपको, यह है लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में। इतना सही व्यू आ रहा है देखिए, और नीचे माँ गंगे। चलते हैं झूले पे, फिर देखते हैं झूले का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। खतरा खतरा, चलो भाई भाई, चलते चलो, चलते चलो। ये देखिए इतना सही लग रहा है। और आगे ये लक्ष्मण मंदिर रेड रंग का देख सकते हो आप, 13 मंजिला मंदिर है। देखिए रात को ये है नाइट लाइफ ऋषिकेश की। एकदम अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है नदी किनारे, वहाँ गंगा के किनारे। और सुबह आपको उस मंदिर में जाकर भी दिखाएंगे कैसा है। सो गाइज, अभी हम खा रहे हैं रामफल। ये देखिए रामफल ऋषिकेश का लोकल फूड है सर, ये आपको यहीं पाया जाएगा, इसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा, हरिद्वार में और ऋषिकेश में। अच्छा, हरिद्वार इसके दोनों को मिलेगा? हाँ, दोनों को। वो तक आए आपको ऋषिकेश में मार्केट में जाओगे, पल्ली पार्क भी मिल सकता है आपको और आपको राम झूले में, हरिद्वार में सभी चले। होता कहाँ है? जंगलों में सर, जंगलों में। इस पे कोई दवाई का इफेक्ट नहीं किया जाता, इस पे दवाई वही कोई चीज का होता है, जंगलों में ढूंढ ढूंढ कर तोड़ कर लाया जाता है। ऐसा फल है शुरू सितम्बर से लेकर आपको सावन तक खराब नहीं होता, 6-7 महीने तक। चलो टेस्ट करते हैं। ये देखिए भैया ने माले बना दिए। देव के देव ओ महादेव तेरा नाम
सो गाइस रात का 2 बजा हुआ है और अभी हम सुबह ऐसे बैठे हुए हैं, बाकी जो खाली हो चुका है कोई नहीं है, सब अपने बंदे हैं। ये देख लीजिए पूरा खाली है। सो गाइस अभी 2:30 बजा हुआ है, हम गंगा घाट पे थे तो उसके बाद काजल की तबीयत खराब हो गई तो काजल के लिए रूम लेने आ गए। देखो काजल बेचारी बीमार पड़ गई है, देखो इस मासूम चेहरे के पीछे एक रोगी बैठा हुआ है, इसलिए हमको रूम लेना पड़ा है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में या कल मॉर्निंग सनराइज के टाइम पे। ये बुढ़िया को देख लो, हमेशा मास्क पहन रखती होगी, इसको चाहिए फिल्टर। अभी रूम जो मिला है उसमें दिखाते हैं आपको, यहाँ रुक गई हैं लड़कियाँ और अभी हम आगे जाते हैं। अर्पण गया है, ये अर्पण रूम पर पहुँच गया है, ऐसा कुछ रूम है। 3,000 रुपये दिए हमने, 4 बंदे हैं हम और बाकी वो बाथरूम दिखाते हैं, कुछ ऐसा बाथरूम है, ठीक ठाक है। बाकी ये और ऐसा है, तो मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। सो गाइस 4:30 बजा हुआ है और अभी निकलते हैं, 1.5 घंटा रहे हम यहाँ और अभी सनराइज के लिए निकलना है जल्दी जल्दी। बस चेकआउट करते हैं यहाँ से और फिर आपको मिलते हैं सनराइज की लोकेशन पे या नीलगंज महादेव पे। चलो सो गाइस अब हम पहुँच गए हैं नीलगंज महादेव मंदिर ऋषिकेश में, जो ऋषिकेश से आपका 18 किलोमीटर दूर है। हम एक्चुअली पहुँच थोड़ा जल्दी गए थे, अभी यहाँ पर 1 घंटा करीबन बैठे हम एक दुकान पर, क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम हुई पैरों और हाथों में, तो अभी पहुँच। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार यह पर है, एक्चुअली हम ऐसा हुआ था कि हम थोड़ा आगे निकल गए कि जब ऋषिकेश से पहुंच इधर को आए तो रास्ते में बोट लगा नहीं था नीलकंठ महादेव के लिए, तो हम थोड़ा आगे चले गए जहाँ टनल खुल रही है। फिर जब वहाँ से वापस आए तब आते टाइम बोट लगा था, तो उस बोट से आए फिर तो मतलब 1-2 घंटा तो हमारा वहाँ पर स्पॉइल हो गया। उसके बाद अभी हम मंदिर की ओर को जा रहे हैं। कहाँ को था रास्ता? स्टार्ट हो गया, जूते खोल लेते चलो। हाँ मंदिर से आ गए बाहर तो काफ़ी ठंड हो रही है और आगे निकलते हैं मंदिर से थोड़ा आगे को। ये मंदिर आगे को मार्ग है, अरे आ जाओ सारे आ जाओ। चलिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, चलते जाओ बस। नीचे काफी ठंड हो रही है इस कारण चला भी नहीं जा रहा है, पर कोई बात नहीं। ये देखिए नीलकंठ महादेव। तो घूम फिर के हम पहले रास्ते पर आ गए हैं, धूप बत्ती बाहर जलती है। अच्छा एंट्री दूसरी साइड से थी, हमने एंट्री इस साइड से करी थी पर एंट्री दूसरी साइड से थी तो हमने एग्जिट से एंट्री कर दी। फिर ये देखो उठाना क्या है, अरे रखो रख दो रख दो रख दो रख दो, फोटो यहाँ रख दो हमारे पास रख दो, उठा लो
ये लोगों ने यहाँ फोटो गिराई हुई है, कृपया ऐसा ना करें। तो मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं बाहर, धूप अच्छी भी ला दी है। भाई मेरा मास्क गिर चुका है, पर फिर भी उठा लिया मैंने। तो कोई बात नहीं, चलो चले आप अगले मंदिर की ओर। ये वही रास्ता जहाँ से हम आए थे, इसमें मंदिर जैसे हरिद्वार में था वैसे ही सेम टू सेम मंदिर से वहाँ वापस आते टाइम हमको रास्ते मिला है श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर। तो अभी हम यहाँ गए, तो अभी हमें मतलब दर्शन करने के लिए कहा, पहले आरती होगी उसके बाद ही दर्शन होंगे। बट तो अभी पार्वती माँ के मंदिर के मतलब यहाँ से रास्ता है वहाँ पर पहुँच गए। ये देखिए यहाँ से पहुँच गए, यहाँ से रास्ता ऊपर को। ये देखिए कितनी प्यारी गाय है, मतलब बछड़ा बछड़ी जो भी, मतलब कितनी प्यारी लग रही है, वाइट दोनों वाइट। और आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ हरिद्वार का व्यू, क्या ही गजब लग रहा है हरिद्वार, बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो देखिए तो मंदिर पर पहुँच गए पार्वती माँ के मंदिर पे। यह है माता भुवनेश्वरी मंदिर, देख सकते हैं परिसर में फ़ोटो खींचना बनाए। तो इस चाय को तो यही दिखाऊँगा, काली माँ की मूर्ति देख सकते हो आप, माँ की दर्शन करते हैं, फिर मंदिर का दर्शन करके आ गए, बस निकलते हैं अगले मंदिर की ओर को। झिलमिल गुफा है नीचे को, झिलमिल गुफा की ओर जाते हैं। कितना साफ हो रहा है मौसम। तो अभी वापस नीलकंठ से आ गए हैं और अभी हम हैं ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश के गुरुद्वारे पे के दर्शन करने जा रहे हैं, गुरुद्वारे में तो दिखाता हूँ। चलते हैं गुरुद्वारे के अंदर। आपने भी फुटेज देखी होगी मंदिर के अंदर की भी, मतलब गुरुद्वारे के अंदर की। यहाँ लंगर के लिए खाना मतलब बना है, जो लंगर चलता है हमेशा उसका खाना बन रहा है सब लोग यहाँ अपने। और ये है लंगर हॉल, यहाँ लंगर लगता है। चलते हैं लंगर ग्रहण करते हैं। तो ये है लंगर, तो गुरु का लंगर खाया, काफ़ी अच्छा लगा खा के, भूख लगी थी काफ़ी ज़्यादा, सुबह से कुछ नहीं खाया था। और अभी जब खाना मिला काफ़ी अच्छा लगा था, तो लंगर चख लिया। और अभी वहाँ दिखाता हूँ, अपने खाए हुए बर्तन धो रहा है, बाकी लोग यहाँ बैठे हैं ये लोग। तो गुरुद्वारे से आ गए हैं हम, और अब हम जा रहे हैं लक्ष्मण मंदिर की ओर को, आपको वहीं जाके बताते हैं। और देखो अभी ऋषिकेश में कितना ट्रैफिक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो कल लिए थे हमने रेंट पे स्कूटियाँ, और आज हमको आ गया लौटाने का टाइम। एक याली दो लौटा चुके हैं, और जो दो हैं वो अभी आ रहे हैं। अगर आपको स्कूटी होंगे तो लक्की बाइक का एडवेंचर करके यही ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है इसमें, इनसे कॉन्टैक्ट, इन्होंने एक दिन का हमें 400 रुपये में दिया था। तो आप जो भी करना होगा देख सकते हो आप यहाँ आके। शत्रुघ्न घाट पे पहुँच गए हैं अभी हम।
देखते हैं सारे उसको आने सीखते हैं। बाकी अभी यहाँ गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद लक्ष्मण मंदिर जाना है। भाई मैं अच्छा करूंगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यो जल्दी उतरो ना, इस वीडियो पे 1 लाख व्यूज कर देना। भाई पानी डाल दिया, हो गया। अब हरा गंगे बोल दिया आप। अरे जाना की जल्दी, पकड़ना बताता हूँ इसको, इसको पकड़ना, इसको बताता हूँ। जल्दी उतरो, कुछ भी हो सकता पानी के अंदर, प्रॉब्लम है, मुझे वाटर फोबिया है यार। भाई देखो मेरी मसल, देखो ये देखो ये देखो, ओ मैं कमरे जाना है यार। अक्की जल्दी जाना भाई, तुझे को जाना है मंदिर भी है। ओए चार गार्ड अरे तू है अभिषेक, तू यहाँ पकड़, इसको पकड़ आने एक बार। अरे तुम पकड़ लो, तुम पकड़ लो इसको, पकड़ा ना इसको। अरे इसका वीडियो सेशन हो जाए, उसके बाद जो करना करना। रुको की साथ में रुक रहा है, लग रहा हूँ दुखी होगी। बाप धुल लो बेटा, बॉडी फ्लेक्स कर रही नहीं रहने दे, तेरा ज्यादा बड़ा होना है, हजार लगाना। अरे इसको ले जा, यहाँ पर अक्की है, जब ना ये देख रहा है बस। तो गंगा में डुबकी लगा ली है और अच्छा 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 फील हो रहा है। पहले ठंड लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, मन नहीं कर रहा जाने का, पर जब एक बार घुस गया पानी में उसके बाद 3 डुबकियाँ लगाई और अब लक्ष्मण मंदिर की ओर निकलता हूँ और आपको लक्ष्मण मंदिर दिखाता हूँ। बाकी जो अपने साथ सारे लोग थे उसमें से मैं, प्रियांशु, 2 लोग जा रहे हैं और बाकी यहीं पर रुक गए, उन्हें नहीं आना है मंदिर। तो हम 2 लोग चलते हैं और आपको मंदिर दिखाते हैं। एक बार फिर हम लक्ष्मण झूले के ऊपर से और आपको दिखाता हूँ पीछे श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जिसे हम लक्ष्मण मंदिर के नाम से कह रहे समय, वो 13 मंजिल का मंदिर विशेष पे आपको दिखाते हैं। देखिए पीछे दिख रहा है और भीड़ देखिए मंदिर की, सारे लोग हैं वो देखिए मंदिर, और लोग राफ्टिंग करके भी आ रहे हैं। देखिए वो देखिए लोग, यहाँ पर एंडिंग पॉइंट होता है राफ्टिंग का, वो देखिए। तो मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुँच गए हैं। मंदिर के अगले फ्लोर में जा रहा हूँ।
तो बीच में एक शॉप मिली थी तो मैंने वहाँ से ये बाय कर लिया। कैसा लग रहा है कमेंट में बताना मुझे। और हम मंदिर के टॉप फ्लोर में पहुँचने वाले हैं। पूरी टॉप फ्लोर पर आ गए, यहीं पर रहते हैं महादेव जी और उनकी मूर्ति और उनका ज्योतिर्लिंग। तो अब ऋषिकेश का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप लाइक नहीं करते हो यार मेरे वीडियोस को और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। मतलब आपको दिखाऊंगा उसके बाद मैं रेशियो दिखाऊंगा कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं और कितने लोग अनसब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब किए नहीं हुए हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ थोड़ा।